भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मां धन्वंतरी काली आर सुंदर बनेर रक्षाकारी मां बोम दुर्गा के कोटि कोटि प्रणाम जानाई। गंगा सागर की महिमा कन्हैयालाल भट्टाचार्य जी जैसे क्रांति वीरों का तप, भूमिपुत्र प्रतापदित्य जैसे सपूतों का शौर्य, इस मिट्टी का कण कण प्रेरित करने वाला है, हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। मैं देख रहा हूं आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन की लहर को तेज करने का काम भी इसी क्षेत्र से होने वाला है। पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड ब्रेक मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण में जिस तरह का दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है। भाई और बहनों, आज यहां आपके बीच किसी भी चर्चा से पहले मैं बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। शोभा जी बंगाल की उन अनगिनत माताओं, उन अनगिनत बहनों का चेहरा थी जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। शोभा जी का वो चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं है और मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं ऐसे अपराध, ऐसे अत्याचार के बाद दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला
शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, अपना के बांग्लार भाई बोने देर होतार हिसेब दीते होबे, अपना देर के माए देर छेलेर होतार हिसेब दीते ही होबे। रोकतेर खेला, रोकतेर खेला चलबे ना। मैं कहूंगा आप भी मेरे साथ बोलिए, चलबे ना, चलबे ना, रोकतेर खेला चलबे ना, रोकतेर खेला, रोकतेर खेला, ओता चारेर खेला चलबे ना, चलबे ना, ओता चारेर खेला चलबे ना, चलबे ना, भ्रष्टाचारेर खेला चलबे ना, चलबे ना, होता चारेर खेला चलबे ना, चलबे ना। भाई और बहनों, बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? ईवीएम को गाली वो पहले ही दे चुकी है, चुनाव आयोग को कटघरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने बंगाल के साथ विश्वासघात किया, अब आप बंगाल के विनम्र और समृद्ध भाषा, संस्कार, यहां की मान मर्यादाओं का भी अपमान कर रही है। साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है,
ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। भाई और बहनों, दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। दीदी, आप ये भूल रही है कि आपने सीएम के नाते संविधान की शपथ ली हुई है। भारत का संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्यों के लोगों का इस तरह अपमान करें। मैं फिर कहूंगा, आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी हो उतनी बेइज्जती करिए। स्क्रू ढीला हो गया जैसी बातें, एक से एक भद्दी गालियां आपने मुझे दी है, लेकिन दीदी मेरा आग्रह आपसे यही है कि देश का संविधान का अपमान मत करिए। बाबा साहब अंबेडकर की भावना का अपमान मत करिए। वाकई साथियों, मैं हैरान हूं कि दीदी को क्या हो गया है। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था, वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जसोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा, ये देखकर भी दीदी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आप बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? ये मेरी सारी माताएं बहनें कह रही है, नहीं गलत नहीं है। हरिचंद ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं है, हम अपनी आस्था अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं। भाइयों और बहनों, दीदी की समस्या क्या है वो ये पूरा क्षेत्र जानता है, ये सुंदरबन का इलाका जानता है। घुसपैठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई। यहां उन्नयन के नाम पर उन्होंने 10 साल में क्या किया, इसका कोई ठोस जवाब
दीदी के पास नहीं है। तेज पानी से बचाने के लिए डैम की क्या हालत है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अम्फान साइक्लोन के समय आप लोगों की मदद करने के बजाय इन लोगों ने आपको ही लूट लिया। उस समय केंद्र सरकार ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे थे वो राहत पीड़ितों के बजाय टीएमसी के दफ्तरों में पहुंच गए। इसी लूट का दूसरा नाम है खेला होबे। दीदीर जो ने बांगला खेलार माठ छिलो, खेलार माठ आछे और खेलार माठी थापके बीजेपीर जोने बांगला उन्नयनेर माठ होए उठबे। बीजेपीर जोने बांगला शिक्षार माठ होए उठबे। बीजेपीर जोने बांगला शिल्पेर माठ होए उठबे। भाइयों बहनों, दीदी की सरकार ने सुंदरबन जैसे पर्यटन समृद्ध क्षेत्र को, यहां के द्वीपों को, यहां के तटों का विकास नहीं किया। सोनार बांग्ला के लक्ष्य के साथ बीजेपी की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगी। गंगा सागर की महिमा को, गंगा सागर मेले की भव्यता और दिव्यता को बंगाल की भाजपा सरकार नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, तृणमूल की तोलाबाजी ने गरीब, मध्यम वर्ग, उद्यमी सभी का जीना दुश्वार किया हुआ है। घर बनता है तो उसमें कट मनी, बच्चों के एडमिशन, जॉब की एप्लीकेशन, उसमें भी कट मनी, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, अस्पताल में एडमिशन हो, हर जगह कट मनी, कट मनी, कट मनी। गरीबों, दलितों, पिछड़ों को इस स्थिति ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। कोरोना काल में भाजपा सरकार ने दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा तो उसमें भी कट मनी, गरीब की थाली में भी कट मनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों घर बने। बंगाल में केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा घर गरीबों के लिए स्वीकृत किए हैं, लेकिन कट मनी के कारण यहां अनेक गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं। हर घर जल इस मिशन के लिए भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, लेकिन तृणमूल सरकार ने उसका पूरा उपयोग भी नहीं किया। इन सारी स्थितियों को बदलने का काम बंगाल की बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान भाई बहनों ने उठाया है।
दीदी की मनमानी की वजह से बंगाल के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित है। साथियों, किसान सम्मान योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए जा चुके हैं। 1.25 लाख करोड़, 10 करोड़ किसानों के खाते में, कोई कटमनी नहीं, सीधा सीधा। बीते 3 वर्षों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी निभाई है। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही, किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था, अब मैं जब आज बंगाल की धरती पर खड़ा हूं, बंगाल की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, बंगाल के वीरों की धरती पर खड़ा हूं, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल की पूरी राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दीवार बन के खड़ी है, लेकिन ये दीवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा भेजा जाएगा। आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना बंगाल में डबल इंजन के डबल बेनिफिट के साथ लागू होगी। साथियों, दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी सिर्फ तोलाबाजी दी है, दीदी की सरकार ने मत्स्यजीवियों के लिए बनाए गए प्रकल्प मत्स्य संपदा योजना को रोका। डबल इंजन सरकार इस योजना लागू करेगी ताकि मछली का व्यापार कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार मछुआरों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी।
इतना समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब माताओं बहनों को मैं फिर से एक बार विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।